स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसी ट्यूटोरियल में। और हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर थर्ड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। हम लोग यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे थे, इससे पहले दो लेक्चर हो गए थे। आज तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे वायरस के बारे में। जी हाँ, ये वायरस जिसने पूरा 2020 बर्बाद कर दिया, पूरे सबका, हर व्यक्ति का पूरे कितने सपने अधूरे रह गए, तो वही है वायरस की बात करेंगे आज क्लास में। हम वायरस क्या होता है थोड़ा सा उसको जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वायरस की। तो वायरस क्या है, पहला पॉइंट आप जानिए कि वायरस एक पैरासाइट है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, एक पैरासाइट है जो किसी भी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है पूरी तरह से, चाहे वो पेड़ पौधों पे होगा, चाहे वो जीव जंतु पे होगा, चाहे वो हमारे इंसानों में होगा या जानवरों के अंदर होगा। किसी के शरीर में जब तक ये वायरस नहीं जाएगा उसका अपना जीवन यापन शुरू नहीं हो सकता। तो ये कंप्लीटली क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे द वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड दे आर कंप्लीटली पैरासाइट, दे आर डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। दूसरी सबसे बड़ी बात करेंगे हम लोग, ये कनेक्टिंग लिंक है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो वायरस है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इसका मतलब क्या होगा, यानी वायरस एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म है जो दोनों के कैरेक्टर को सोर्स करता है, यानी ये नॉन लिविंग की और लिविंग दोनों की तरह। नॉन लिविंग एग्जाम्पल जैसे मैं मार्कर मान लिया, ये नॉन लिविंग है, धूल का कोई कण कोई पत्थर, तो क्या होता है, स्टैटिक है, एक जगह रुका रहता है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। ठीक है, वो किसके सिम्टम है, नॉन लिविंग की, धूल के कण की तरह। लेकिन जैसे ये धूल का कण यानी ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है कई माध्यम से, जैसे कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है तो सांस के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी हमारे बॉडी के इनसे एब्जॉर्ब होकर स्किन से, इन्फेक्शन से, किसी भी तरीके से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आने पर जैसे ही ये नॉन लिविंग मटेरियल बॉडी के अंदर जाएंगे वो लिविंग हो जाएगा। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अटैक करेगा, न्यूट्रिशन पाएगा, नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा और हमारी बॉडी को बीमार करना शुरू कर देगा। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। और ये बैक्टीरिया छोटा होता है तो ये बैक्टीरिया पर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। When they are in outside of the body, this behaves like a non-living organism, a non-living biomaterial. ठीक है, they cannot replicate, they cannot get nutrition, they cannot move anywhere. But after going into the human host body, they shows their characters, they becomes parasite, they absorb nutrition, they multiplicate and increase their number and produce different kind of disease in the host body. ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वायरस का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ वायरस, दिस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करें इसके वायरस के स्ट्रक्चर की, तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर को समझिए कि कैसा है वायरस। तो वायरस फिलहाल आपका जो आजकल कोरोना वायरस देख रहे हैं आप, तो उसके भली भांति उससे परिचित ही हैं। वो कैसे कैसे आजकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये क्या क्या स्ट्रक्चर में पार्ट होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अलग अलग पार्ट करूंगा, जूम करके बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रक्चर है वायरस के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए ये सबसे माइक्रोबियल स्ट्रक्चर है, जिसमें छोटा स्ट्रक्चर है। वायरस के स्ट्रक्चर को हम अपनी आंखों से, यानी नंगी आंखों से, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, हम वायरस को देख नहीं सकते। ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। बाकी इसमें बात की जाए तो कुछ भी नहीं है वायरस में, कुछ भी नहीं है, बस बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है। ये आप जो बाहर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्रोटीन की लेयर होती है, और जो ये प्रोटीन की लेयर होती है एक्चुअली में फ्रेंड इसको कैप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। और जो कैप्सोमियर है और इसके अंदर क्या होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड डेवलप नहीं होता है तो उसको न्यूक्लियॉइड्स बोलते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड पूरी तरह से डेवलप ना हो तो ये न्यूक्लियॉइड्स होता है, बिकॉज वायरस एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, ये कैसा है, सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसके बाहर जो कैप्सोमियर है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं जिनको कैप्सिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड्स, यानी कई कैप्सिड्स आपस में मिलते हैं तो एक कैप्सोमियर का निर्माण होता है। और इनके जो न्यूक्लियॉइड्स होता है, देखो नॉर्मल केस में सभी जंतुओं में, हमारे और आप में, जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए। इनके अंदर सिर्फ एक चीज होता है फ्रेंड्स,
या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, यानी कि किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड में दोनों साथ साथ नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। बेसिकली जो वायरस एनिमल पे अटैक करते हैं वो डीएनए वाले होते हैं, और जो वायरस आरएनए पर अटैक करते हैं, प्लांट पे अटैक करते हैं, वो आरएनए वाले होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के अंदर जो आपका न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या है दोस्तों, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एसएसआरएनए वाले किसी भी वायरस को रिट्रोवायरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिट्रोवायरस बोलते हैं, किसी भी सिंगल स्ट्रैंड वाले आरएनए को रिट्रोवायरस बोलते हैं। तो क्योंकि कोरोना एक प्रकार का रिट्रोवायरस है, और इससे पहले आपने किसी रिट्रोवायरस का नाम सुना था, जी हाँ, एड्स का नाम सुना आपने, एचआईवी वायरस, जो एचआईवी वायरस होता है वो भी रिट्रोवायरस है। तो एचआईवी वायरस की वैक्सीन आज तक बनी क्या, तो आपको लगता है कोरोना की वैक्सीन आके सक्सेसफुल हो जाएगी क्या, ये सवाल आपके लिए, आपको जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कोरोना का वैक्सीन कितना असरदार होगा, क्यों होगा। मैं समझता हूँ डीएनए जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, अगर कोई मेडिसिन, क्या कोई मेडिसिन अगर हमने डीएनए वाले के लिए दिया या उसके वैक्सीन दिया या कोई टैबलेट दिया, मेडिसिन दिया, तो डीएनए को हम किल करके वायरस को मार सकते हैं। लेकिन जो ये आरएनए वाले वायरस होते हैं ना, ये बड़े गंदे वायरस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसको आप इस तरह समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने से कोई एक हाथी आ रहा है, और उस हाथी को मारने के लिए आपने तोप का गोला निकाला, जैसे ही आप गोला निकाले भाई गोले से तोप मर जाएगा, वो हाथी मच्छर बन गया, तो अब क्या उस तोप के गोले से आप मच्छर को मार सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। फिर आपने मच्छर को मारने के लिए कुछ और चीज उठाया तो अचानक से वो सांप बन गया, फिर आपने सांप को मारने के लिए कुछ किया तो वो हिरन बन गया। मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर को चेंज करता रहे, कोई दुश्मन जो सामने से आ रहा है वो मायावी हो, वो अपने स्ट्रक्चर को लगातार बदलता रहे, तो क्या उसको मारना आसान है, बहुत कठिन है। पहले के समय में भगवान को भी दिक्कत होती थी जब युद्ध होता था राक्षसों से, कि वो मायावी राक्षस होते थे। बस ये मायावी है, जो भी सिंगल आरएनए वाले, स्टैंडर्ड आरएनए वाले रिट्रोवायरस होते हैं, इनके साथ क्या होता है कि ये अपने बेस पेयर का सीक्वेंस लगातार चेंज करते रहते हैं, यानी ये अपनी कई मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं, और हर मल्टीपल कॉपी का अलग फंक्शन होता है। क्या पता जिस वैक्सीन, जिस कोरोना के लिए आपने वैक्सीन बनाया वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इन बाकियों के लिए उतना रिस्पॉन्सिबल एक्टिव नहीं, या आपने जो वैक्सीन दिया वो इसके इसके लिए एक्टिव है, इन सब के लिए एक्टिव नहीं। इसलिए बहुत कठिन काम है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा एज पर दिस, क्योंकि आज तक एचआईवी का वायरस का वैक्सीन नहीं बन पाया। तो मुद्दे पे फिर से वापस आते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, कि डीएनए आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए होता है बेसिकली, और इसके बाहर जो होते हैं कैप्सिड या कैप्सोमियर होते हैं, प्रोटीन की एक कवरिंग होती है। बस इतना सिंपल सा, एक इतना छोटा सा स्ट्रक्चर बेसिकली आरएनए का होता है, ठीक है। और इसका जो, इसका नाम क्यों था कोरोना वायरस, ये भी आप जान लीजिए, इसका तो इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही वायरस को नाम दिया जाता है। इसका नाम कोरोना वायरस क्यों दिया गया, क्योंकि इस कोरोना वायरस के जो आउटर सरफेस पे या आपको जो प्रोटीन की लेयर दिख रही है वो क्राउन शेप है। किस शेप है, क्राउन, और क्राउन मतलब होता है मुकुट, राजा का मुकुट। तो इस वायरस के सरफेस पे जो प्रोटीन की लेयर है वो क्राउन शेप्ड है, और क्राउन का मतलब कोरोना होता है, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहा गया। एक बात और जान लीजिए कोरोना के बारे में, इसको कोविड 19 वायरस भी कहते हैं। तो कोविड 19 वायरस लगभग सब जान चुके होंगे, को से कोरोना, वी से वायरस, ठीक है, वी आई से वायरस, और डी से क्या है, डिजीज, और 19 का मतलब ये बीमारी 2019 से स्टार्ट हुई थी, नवंबर दिसंबर से चाइना में, इसलिए इसका नाम था कोविड 19, कोरोना वायरस डिजीज 19। ओके, फिलहाल ये सब बेसिक नॉलेज है। तो हम चैप्टर वायरस प्रोडक्ट्स में कुछ बातें आपसे शेयर कर लूं, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है डीएनए न्यूक्लिक आरबीसी सॉरी इसमें वायरस में। तो जो भी चीजें होती है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैप्सोमियर्स क्या होते हैं, कैप्सिड्स क्या होते हैं, कई छोटे छोटे कैप्सिड होते हैं उससे कैप्सोमियर बनता है, और उस कैप्सोमियर के अंदर क्या होते हैं आपके डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसलिए ये सिंपल सा एक वायरस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की। तो डालो भैया अगली हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। देखिए क्लास मैंने बताया कि वायरस जो है वो तीन जगह पे अटैक कर सकता है, वो किसी एनिमल पे भी अटैक कर सकता है, वो किसी प्लांट पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से छोटा होता है तो ये बैक्टीरिया पर भी अटैक कर सकता है। तो कौन सा वायरस किसको अटैक कर रहा है, प्लांट पे अटैक कर रहा है कि बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है कि एनिमल पे अटैक कर रहा है, उसके बेसिस पे आपके जो वायरस होते हैं उसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो वायरस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट एनिमल, इट इज ऑफ थ्री टाइप,
एनिमल पे अटैक करने वाले को बोलते हैं जूओफैजिनी, ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं? जूओफैजिनी। और अगर जो प्लांट पे अटैक करता है उसे बोलते हैं क्या? फाइटोफैजिनी। तो वायरस हो गया फाइटोफैजिनी। और अगर किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे बोलते हैं फैजिनी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, होस्ट मतलब किस पे वो अटैक कर रहे हैं, होस्ट के बेसिस पे तीन प्रकार के होते हैं, जूओफैजिनी व्हिच अटैक्स ऑन एनिमल, फाइटोफैजिनी व्हिच अटैक्स ऑन प्लांट, एंड फैजिनी व्हिच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। अब आप कहेंगे भैया प्लांट को भी अटैक करते हैं? जी हाँ, ये बड़े दुष्ट टाइप के होते हैं, हर जगह अटैक करते हैं। कभी आप देखा पपीते की पत्ती मुड़ जाती है, लौकी का पत्ती खराब हो जाता है, आपका बैगन खराब हो जाता है, कोई फल है वो खराब हो जाता है, ठीक है, तो इन सब पे अटैक करता है, तो वो हमारे क्लासिफिकेशन हो गया इसके बैक्टीरिया का, ठीक है, वायरस का। सॉरी, एक बेसिस और है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक डीएनए वायरस, एक आरएनए वायरस। अगर जिसके अंदर डीएनए है तो वो डीएनए वायरस, और जिसके अंदर आरएनए है वो आरएनए वायरस, और अगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसे रेट्रो वायरस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, यानी वायरस कैसे किसी होस्ट के अंदर जाकर के अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वायरस रेप्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको आसान तरीके से समझेंगे। तो अगली हेडिंग हमारा फ्रेंड है, दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस या वायरस रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब होता है कि अपनी संख्या को रेप्लिकेट करना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 2 गुना, ठीक है, ये होता है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि बेसिकली जो वायरस का रेप्लिकेशन हम देखेंगे, स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। तो एक वायरस, सबसे छोटा वायरस की हम बात कर लेते हैं, ये सबसे छोटे वायरस का नाम है, देखिए ये जो आपको वायरस आपको दिख रहा है इसका नाम है बैक्टीरियोफेज, वेरी गुड, ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का वायरस होता है। इसकी सबसे खास बात जान लीजिए, बैक्टीरियोफेज नेचुरली पाया जाता है गंगा जी में। आपने गंगा जल, आप जिस शहर में आजकल बसे होंगे आसपास गंगा जी होंगी, मैं इलाहाबाद से हूँ, वहाँ गंगा जी तो है ही है, फिलहाल बनारस में हूँ, गंगा जी यहाँ भी है, तो मैं बहुत लकी उस मामले में। तो जो गंगा जी है उसमें बेसिकली बैक्टीरियोफेज की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये गुड वायरस है, क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्किन में शरीर में उनको नष्ट करता है। तो ये वायरस बैक्टीरिया को नष्ट करता है, इसलिए बैक्टीरियोफेज बेस्ट चीज है, ये एक अच्छा वायरस हमारे लिए माना जाता है, ठीक है। तो गंगा जल इसीलिए बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए कहते हैं कि सारे पानी को आप रख दो साल दो साल के लिए तो पानी में कीड़े लग जाएंगे, पानी बदबू करेगा, लेकिन गंगा जल कभी भी कीड़े नहीं लगते, बदबू नहीं करता, क्योंकि गंगा जल में क्या होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज वायरस किसी भी बैक्टीरिया को उसके अंदर ग्रो होने नहीं देता। ये कैसे बैक्टीरिया को मारता है, कैसी संख्या को बढ़ाता है, इसको समझिए। तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है दोस्तों, और एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं ये आपके सामने, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया। तो सबसे पहले इसमें कई फेज होते हैं, सबसे पहला फेज होता है कि कैसे रेप्लिकेशन होता है, तो इसका पहला फेज होता है फ्रेंड अटैचमेंट। सबसे पहला फेज होता है रेप्लिकेशन का अटैचमेंट। इस फेज में क्या होता है कि आपका जो ये बैक्टीरिया है इसके अंदर अपने डीएनए तो होते ही है, इसके सरफेस पे जा करके हमारा जो बैक्टीरियोफेज है वो अटैच हो जाता है। सबसे पहला फेज है अटैचमेंट फेज। इस अटैचमेंट फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया के बॉडी सरफेस के ऊपर, यानी बैक्टीरिया के बॉडी सरफेस के ऊपर बैक्टीरियोफेज जाकर चिपक जाता है, दिस इज द अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा फेज होता है फ्रेंड, दूसरा है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब आप समझते हैं प्रवेश करना। अब क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियोफेज अटैच होगा तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करेगा, फाड़ेगा, और फाड़ने के बाद अपने न्यूक्लिक एसिड को यानी अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर मिला देगा। यानी सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो ये बैक्टीरिया हो गया, और जैसे ही ये हमारा बैक्टीरियोफेज यहाँ पे देखिए ये इस पे अटैच हो रहा है तो क्या करेगा, इसके सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करेगा, और सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करने में अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर मिला देगा। आप अलग अलग कलर्स दिखाइएगा कॉपी में, ठीक है, अलग कलर से दिखाइएगा बैक्टीरिया के डीएनए को और इसके डीएनए को, ये अपने बैक्टीरियल को इसके अंदर भेजेगा, यानी अपना जो डीएनए है वो पेनिट्रेट करेगा इसके अंदर करेगा। तीसरा स्टेप होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या करता है फ्रेंड, अब ये जैसे ही आपके बैक्टीरियोफेज इसके अंदर गए, ये बैक्टीरियोफेज अब यहां से हटा लीजिए, ये बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया का अपना खुद का सरफेस है, और बैक्टीरिया के अंदर ढेर सारे बैक्टीरियोफेज का डेवलपमेंट क्या होगा, शुरू हो जाएगा। यानी बैक्टीरियोफेज का जब डीएनए अंदर गया
तो क्या करते हैं, ये अंदर जाने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, दिस इज द रेप्लिकेशन। और जब ये अपनी संख्या को लगातार रेप्लिकेट करते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं, तो चौथे में होता है रैप्चर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमारा जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ज्यादा प्रेशर तो बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, ये फट जाएगा। और जब बैक्टीरिया का सेल वॉल फटेगा तो नीचे आने पर ये ढेर सारे बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो निकल के बाहर आने लगते हैं, अलग होने लगते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद ये बाहर आते हैं, मेच्योर होते हैं और मेच्योर होने के बाद फिर से बैक्टीरियोफेज का रूप ले लेते हैं। यानी इस तरह से उन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया और अपनी संख्या को बढ़ा लिया। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस या रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज भी हम कह सकते हैं, या डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, अलग टॉपिक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेप में क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, हम बात करेंगे कि इसका वायरस कल्चर कैसे बनाते हैं, एक लेक्चर और लेंगे वायरस पर, फंगस को रिमूव करेंगे। थैंक यू सो मच।